अब इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो कलर हो गई है। और चूंकि दूध गर्म है तो उसमें ये सब चीज़ें अच्छी तरह से हल हो जाएंगी और थोड़ा उसके अंदर अपना जायका भी छोड़ देंगी। जो ऑलिव ऑयल हमने ऐड किया था उसका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त है, खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त है इसकी। इसको ऐसा हिला लें, ये देखिएगा नाज़रीन बहुत ही ज़बरदस्त बन गया है। ये देखिएगा बहुत ही अच्छा इसका रंग, जो ऑलिव ऑयल है तो वो बिल्कुल सिरे पे आ गया है ऊपर ऊपर, ये आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऑलिव ऑयल की जगह आप जो हमारे घरों में नॉर्मल मिलता है ये देसी घी जो उस होता है, आप इसकी जगह वो भी ऐड कर सकते हैं, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, उसकी खुशबू और टेस्ट तो बहुत ही अच्छी हो जाती है। लेकिन नॉर्मल लोग ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं अमूमन, क्योंकि सेहत बख्श भी है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। ये हमारा जो बादाम दूध जो हमने बताया था बिल्कुल तैयार है, और आप घर में भी ट्राई कीजिएगा, अपने फैमिलीज़ को बना के दीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजम कीजिएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ज़रूर कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सजेशन भी दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर कोशिश कर लें। और सब्सक्राइब लाजिम कीजिएगा मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो तक शाज़ी खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।